नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पर। आज मैं आप सबके समक्ष भूगोल की शिक्षण योजनाएं कक्षा 6 पाठ 4 पृथ्वी की गतियां भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको बता रखा है कि मेरी हिंदी की कक्षा 6, 7, 8 की सभी शिक्षण योजनाएं मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम इसमें हम दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक जिस दिन की पढ़ाई उस दिन की अंकित करें। कक्षा आपकी 6 रहेगी। विषय आपका भूगोल है। समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे पृथ्वी की गतियों के बारे में बता लेते हैं, बच्चे परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर कर लेते हैं। प्रकरण रहेगा परिक्रमण और परिभ्रमण। सीखने सिखाने की सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, शामपट, चाक, ICT हेतु मोबाइल, लैपटॉप और पुस्तक में दिए गए चित्र आदि, ये हमारी सीखने सिखाने की सामग्री रहेगी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियों में इस तरह के कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। तो सर्वप्रथम शिक्षण की शुरुआत में शिक्षिका स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछ करके प्रकरण पर पहुँचेगी। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, पृथ्वी गतियाँ क्या होती, ये विचारणीय प्रश्न रहेगा, बच्चे इसको बताने में असमर्थ होंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल द्वारा दिखाकर पाठ को आगे बढ़ाते हुए बताएगी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। इस प्रकार पृथ्वी द्वारा अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव भी कहते हैं। समय इसमें 10 मिनट देंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को पुस्तक में दिए गए चित्र को दिखाते हुए बताएगी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन की इस समय अवधि को पृथ्वी दिवस कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस गति के कारण ही दिन रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी पर जो व्रत दिन तथा रात विभाजित करता है उसे प्रकाश व्रत या प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में सूर्य के चारों परिक्रमा भी करती है। यह 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है, इसलिए यह चौथा वर्ष 365 दिन का होता है। इसे अधिवर्ष भी कहते हैं। अधिवर्ष में फरवरी माह में 28 दिन के बजाय 29 दिन होते हैं। शिक्षण के उपरांत शिक्षिका बच्चों को 2 समूह में बांट दिए, ग्रुप ए और बी, और प्रत्येक समूह को परिक्रमण, परिभ्रमण, प्रदीप्ति और वार्षिक गति के बारे में लिखने को बोलेगी और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करेगी। जो ग्रुप जल्दी एवं उत्तम लिख कर के कक्षा में बताएगा उसके लिए विशेष ताली और स्टार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे बच्चों का पढ़ाए गए प्रकरण का मूल्यांकन भी हो जाएगा और उनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। प्रदत्त गृह कार्य, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या अंतर है, प्रदीप व्रत से क्या अभिप्राय है, अधिवर्ष किसे कहते हैं। हम इसमें 5 से 6 प्रश्नों को भी ले सकते हैं कि तो मैंने 4 प्रश्न लिए। तो ये शिक्षण योजना बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को पढ़ाने में सहायक होगी। यदि आपको मेरी शिक्षण योजना पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ग्रुप्स। थैंक यू। और मेरी हिंदी की सभी शिक्षण योजनाएँ मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। धन्यवाद। यदि कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर करें अवश्य बताएँ। थैंक यू।